भारत के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। एक अच्छा स्पोक्स पर्सन जो एक्चुअली अपनी कॉम को, जैसी भी उसकी कॉम हो और वो जैसा भी हो, रिप्रेजेंट करता है, तो फिर दुनिया कैसे उसकी जय जय करती है। जरा मोदी की स्पीच सुनिए। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन अवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटल फील्ड। पाकिस्तान में असल मुद्दा ये है, आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। द पॉइंट इज दैट कि उसको पाकिस्तान में इस वक्त नहीं पसंद किया जा रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक, ही इज वांटेड इन इंडिया बट ही इज विजिटिंग पाकिस्तान। मोदी साहब अपने मुल्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है लड़ रहे हैं, मगर इंटरेस्टिंगली एक तो आप देख सकते हैं कि स्पीच इनको याद है। He has memorized the speech. दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, मोदी पेपर्स नहीं देख रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा। ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। क्या मैं देख रहा हूं भारत में, और फिर हम पीएम की विजिट की बात करते हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अनबिलीवेबल। मैं तो समझता हूं कि नरेंद्र मोदी हर भारतवासी के लिए जामवन है, हमारी ताकत उसने हमें याद करा दी है। लेकिन पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ गई भाई इनको बुलाने की, एक सवाल है ना। कम तोलना, झूठ बोलना, मिलावट करना, हराम खाना, ये कैरेक्टर है हमारा। मगर जो दूसरी बात है कि पाकिस्तान का मौकिफ यह है कि पूरी दुनिया में डिजिटल फ्रीडम होना चाहिए और डिजिटल कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ये दोगली बात है। ये ऐसी बात है कि अगर कोई तालिबान का लीडर खड़ा होता, जो ऑब्वियसली अलाउ नहीं होता क्योंकि तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करता अक्वामे मुत्तहिदा, मगर अगर कोई तालिबान का कोई मौलवी खड़ा होता तो वो कहता कि जी वी आर फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, व्हिच इज नॉट ट्रू। तो ये दोगली बात है कि वही बंदा जो ऐसी हुकूमत का डिफेंस मिनिस्टर है जिसने सर्वेलेंस, खौफनाक किस्म के डिजिटल सर्वेलेंस लॉज पास किए हुए हैं कि आपकी ईमेल्स, आपके सेल फोन, आपका व्हाट्सएप, आपका ट्विटर, हर चीज पे ये आपके ऊपर केस कर सकते हैं, आपको उठा सकते हैं अगर आपने कोई ट्वीट सोशल मीडिया वगैरह पे कोई पोस्टिंग की, आप को हर वक्त किसी भी तरीके से आपको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, आपके जर्नलिस्ट जो डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के गैप को ब्रिज करने की कोशिश करते हैं उनको उठा सकते हैं। इनफैक्ट लीगली और इलीगली, जो आप ट्विटर कभी कहते हैं कि बंद है कभी खुला है, और ओवरऑल इलेक्शन वाले दिनों में जो कॉम इलेक्शन वाले दिनों में इंटरनेट बंद करती है कि लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते कि मैं किधर हूं, मैं क्या देख रहा हूं या देख रही हूं, ये उस हकूमत को ये बंदा रिप्रेजेंट करता है और दुनिया के सबसे बड़े फोरम पे आके झूठ बोलता है कि डिजिटल कॉम्पैक्ट को हम सपोर्ट करते हैं। इट इज शेमफुल फॉर ख्वाजा आसिफ। अंग्रेजी इसकी जो गलत है वो माफ है, हाथ कांपना माफ है, स्पीड इसकी माफ है, मगर झूठ माफ नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम कंपेयर करें कि मोदी साहब जो हैं, उन्होंने इनसे कुछ देर पहले स्पीच की, मोदी साहब ने एक तो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, मुख्तसर है मोदी साहब की स्पीच, क्योंकि मोदी साहब ने कैसे की, किस धड़ल्ले से की, क्या बातें की, किस जुबान में की, ये खुद ही देखें और कंपेयर करें कि एक अच्छा स्पोक्स पर्सन जो एक्चुअली अपनी कॉम को, जैसी भी उसकी कॉम हो और वो जैसा भी हो, रिप्रेजेंट करता है, तो फिर दुनिया कैसे उसकी जय जय करती है। जरा मोदी की स्पीच सुनिए। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन अवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटल फील्ड। अंग्रेजी में बात की, आगे चलें, सुने क्या करते, अब क्या करते हैं। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। इंडिया ऑब्वियसली अपनी बात कर रहा है और इंडिया रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, अक्वामे मुत्तहिदा में रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। इंडिया एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिले। मोदी साहब अपने मुल्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है लड़ रहे हैं, मगर इंटरेस्टिंगली एक तो आप देख सकते हैं कि स्पीच इनको याद है। ही हैज मेमोराइज द स्पीच। दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, मोदी पेपर्स नहीं देख रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा। दूसरी बात, दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी और उर्दू में बात कर रहा है। तीसरी बात, बात क्या कर रहा है, आगे बढ़ने की, दोगली बातें नहीं कर रहा, मगर आप देखें कि क्या करता है और पाकिस्तान को कैसे तड़ी लगाता है दुनिया के सबसे बड़े फोरम पे।
एंजॉय कीजिए। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, ये पाकिस्तान को तड़ी है आतंकवाद मतलब टेररिज्म का खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरिटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए 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 मैदान भी बन रहे हैं। सिंपल बात है कि एक तरफ दहशतगर्दी का खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर स्पेस वगैरह जो नए फ्रंटियर्स हैं उनकी भी थ्रेट है। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। जबरदस्त, अमेजिंग, आई लव द फैक्ट दैट मोदी जी हैज डन व्हाट ही इज डन, हैज सेड व्हाट ही सेड। जैसे भी हैं मोदी जी, जैसे भी हैं, एंड आई एम अ बिग क्रिटिक मोदी की पॉलिसीज को, मैंने शायद कम जर्नलिस्ट हैं जिनको जिन्होंने इतनी क्लोजली उसकी लास्ट ईयर की ट्रिप को अमेरिका में तनकीद से कवर किया था जितना मैंने किया था। बट मेन चीज क्या है, आपको कॉन्फिडेंट होना है, आप दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं, क्योंकि वाकई प्लेटफॉर्म बड़ा है। ख्वाजा आसिफ को चॉइस थी कि जैसे वो खड़े होके धड़ल्ले से ताने मारते हैं फुफुओं की तरह और सासुओं की तरह, जो वो ताने मारते हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, और कभी शर्म होती है और कभी हया होती है जो उनकी लाइन मशहूर जमाना है। ख्वाजा आसिफ कुड हैव स्पोकन इन उर्दू, इनफैक्ट ख्वाजा आसिफ कुड हैव स्पोकन इन पंजाबी, क्योंकि ज्यादा शायद वो कंफर्टेबल हैं पंजाबी में गाली गलोच करने में, बिकॉज पूरी दुनिया जो है जो बैठी हुई है उसके कानों में वो लगा हुआ है, जिसे कहते हैं आपका जो इंटरप्रिटेशन का एयर पीस लगा होता है, मगर बिकॉज प्रेपरेशन नहीं है, एक ऐसी जागन लेडन स्पीच, SDGs, ODGs, TREs, PPEs, जो किसी को और समझ नहीं आनी, आपके पास भाई यू आर नॉट देयर एज अ डिप्लोमैट, यू आर देयर एज अ लीडर, बट बिकॉज यू आर नॉट अ लीडर ख्वाजा साहेब, because you are not really even an elected leader perhaps, maybe that is what is riding your guilty conscience, and maybe that is why Modi ne use kiya is platform ko apne mulk ka dhadalle se apne mulk ka mauqif aage rakhne ka, speech taiyar thi uski, well prepared tha, confident tha, uski speech viral hui bhi hai, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने बोला चलिए मैं तो जाता हूं क्योंकि मैं भारत के लिए जा रहा हूं अपने लिए, मैंने अमेरिका बहुत देखा हुआ है, ये उनके उनके वचन है।